सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई लिखाई हो रही है? देखिए, चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं क्लास सेवेंथ हिंदी फर्स्ट और आदर्श प्रश्न पत्र प्रथम। हम लोगों ने अध्याय 6 समाप्त कर चुका था। अब हम लोग देखते हैं आदर्श प्रश्न पत्र। यहाँ पर इस आदर्श प्रश्न पत्र एक में अध्याय 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को शामिल किया गया है। मैं इस वीडियो में आप लोग को सिर्फ प्रश्न दिखाऊंगा, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर भी बताऊंगा, ठीक है? आप लोग कुछ प्रैक्टिस के तौर पर खुद बना कर देखिएगा। अवश्य देखिए, पहला प्रश्न है कि पुष्प की हार्दिक इच्छा क्या है? याद कीजिए, पुष्प की अभिलाषा प्रथम अध्याय मैंने पढ़ाया था। दूसरा, स्वामी रामदास ने अपने दर्द के निवारण का क्या उपाय बताया था? याद है, गाय का दूध, सीनी का दूध, किसी कोई दूध था जो उनके दर्द का निवारण का उपाय था। गाय ने देवता की सुगंध खाकर क्या कहा, ठीक है? चौथा, शत्रु सेना पर चेतक किस प्रकार आक्रमण करता था? महाराणा प्रताप से संबंधित था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, ठीक है? पारबोम पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं था, ठीक है? याद आ जाएगा आप लोग को कहानी। आप लोग प्रश्न उत्तर बनाना जैसे ही प्रारंभ कीजिएगा। नागराजन को रोता देख राजप्पा ने क्या किया, ये हम लोगों ने अभी समाप्त किया था तुरंत, टिकट एल्बम नाम था। दूसरा है कि सही कथनों के सामने सही का और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है कि राजप्पा ने अपना एल्बम बहुत परिश्रम से तैयार किया था। देखिए, सही गलत का टिक लगाना है आपको, ठीक। दूसरा है कि सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को स्कूल भर में बदनाम कर दिया। तीसरा, पारबोम सूर्योदय होते ही जमीन का चक्कर लगाने निकल पड़ा। मनुष्य को कितनी जमीन चाहिए, यह अध्याय था। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक शत्रु सेना पर प्रहार नहीं करता था। चौथा, पांचवा, शेर का पत्थर दिल अंत में मोम की तरह पिघल गया। उसके बाद है कि शिवाजी के गुरु रामदास राज्य के लोभी थे, ठीक है? यह सही गलत का प्रश्न था। तीसरा है, कविता के नीचे लिखी पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, महाराणा प्रताप का जो वो कविता था चेतक की वीरता, उसी कविता की ये पंक्ति है कि है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह घोड़ा तुरंत यहाँ तुरंत वहाँ, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, और वह तुरंत जहाँ दिखाई दे रहा था अब वहाँ भी नहीं है। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, रण क्षेत्र में युद्ध के मैदान में कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ वह नहीं दिखाई देता था। किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं, किस शत्रु के मस्तक पर वह नहीं था, यह कहना असंभव था। मतलब वह उसकी फुर्ती इतनी थी उस घोड़े की, चेतक की, कि वह एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में वहाँ नजर आता था। चौथा देखिए, समानार्थी शब्द लिखना है। शीशा का, सहसा का, देव का, विस्मित का, पथ का, पात्र का, हरि का और पीरा का, मतलब सभी अलग अलग हैं। पांचवा है, विलोम शब्द लिखिए, अपोजिट उल्टा शब्द, विनम्र, स्वामी, सामने, गुरु, शांत, जवान, ये था विलोम शब्द। अब आइए देखते हैं क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। सहलाना, सुबकना, दहारना, बुदबुदाना। साथ में है कि नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखिए। दिल पसीजना, रोंगटे खड़े होना, पीठ ठोकना, फूट फूट कर रोना। आठवां है, निम्नलिखित कालों के एक एक उदाहरण दीजिए। ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल से आ गया, काल चैप्टर व्याकरण का, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम बीते हुए समय में हुआ, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले काम वर्तमान में हो रहा है, और भविष्यत काल में यह पता चले कि काम आने वाले समय में होगा, ठीक है?
विशेषण विशेष से अलग कीजिए, ये आ गया आपको समास चैप्टर से, याद कीजिए। तुलना और तुलना, एक तुलना और एक तुलनीय। भोली भाली गाय विशेषण कौन होगा और विशेष्य कौन होगा। घनी झाड़ियाँ विशेषण और विशेष्य। सुंदर एल्बम, चलिए एक ट्रिक बता देता हूँ, सुंदर विशेषण हो गया और एल्बम विशेष्य हो गया। धनी किसान, धनी विशेषण हो गया, किसान विशेष्य हो गया। ठीक है, यही 9 प्रश्न आप लोग को बनाने हैं 1 से लेकर 9 तक, तो आपका आदर्श प्रश्न पत्र समाप्त हो जाएगा और तब हम लोग चलेंगे अध्याय 7 की तरफ। आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, इससे आप लोगों का कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगा और किसी को परेशानी भी, कुछ लोग पूछते भी हैं और जो लोग नहीं पूछना प्रारंभ किए हैं वो अवश्य मुझसे पूछिए कि क्या परेशानी है। परेशानी जब तक पता नहीं होगा हम लोग उसका कोई भी सोल्यूशन, कोई भी हल नहीं कर सकते हैं। आप लोग हर वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसके अब हम लोग का ये पढ़ाई का जो सत्र है वो प्रारंभ भी हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।